वेल, मैं कल उसके प्री क्रूज पार्टी में थी एंड आई मेट कपल ऑफ फ्रेंड्स हु वर सपोज्ड टू गो टू द क्रूज. मेरे इतने शूट है इसलिए मैंने आई डिडंट वांट टू गो, बट इट्स रियली सरप्राइजिंग. बट मैं अगर वहाँ पे होती और ऐसा रेट पड़ता एंड यू नो पीपल गेट डिटेन्ड, पीपल हु आर नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग, उनसे पूछताछ होता है, टाइम वेस्ट होता है. सो आई एम ग्लैड आई डिडंट गो. आई डोंट नो, जब तक एविडेंस नहीं आता यू कैन नॉट से एनीथिंग, यू शुड नॉट से एनीथिंग आइडियली. See, media wants to take, wants to understand or wants to know information. So they will try their best to know information. It is their job. They're doing their job. Everybody is doing their job. So nothing to say. आर्यन को अरेस्ट करा गया है एनसीबी ने, और उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलूँ? I mean, पहली बात तो ड्रग्स आते कहाँ से है मुझे ये समझ में नहीं आया, तो वो बंद करो इफ इट इज़ इलीगल, वो तो बंद नहीं होते हैं. देन अभी बच्चे क्या कर रहे हैं अभी, यू नो लाइक क्या मतलब, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट राइट. पेरेंट्स शुड कीप देयर आइज ऑन देयर किड्स बिकॉज दैट्स नॉट गोना हेल्प देम इन देयर फ्यूचर एंड दिस थिंग्स इज़ डेफिनेटली नॉट अ राइट थिंग फॉर किड्स. अगर एक बार तुम समझदार हो फिर भी गलती कर रहे हो तो समझ में आता है, लेकिन a guy of 22, 23 years old, he may not have the right, you know, like in the mindset to take what, to understand what is right, what is wrong. So I think like थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. लेकिन मुझे सिर्फ आर्यन से मतलब नहीं, आई मीन लाइक इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट वन किड, देयर माइट बी सो मेनी अदर किड्स आर डूइंग दिस. तो इसके लिए जड़ से इसको मतलब यू नो लाइक जड़ से इसको निकाल देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर पीपल. इट शुड बी लाइक ड्रग्स अगर इल्लीगल है तो इंडिया के अंदर आना ही नहीं चाहिए कहीं से भी. आपने भी जिक्र किया कि आपको लगता है पेरेंट्स, जब शाहरुख खान जैसे दिग्गज इतने बड़े स्टार हैं, वो कहीं एक रेस्पॉन्सिबल पेरेंट्स का रोल नहीं निभा पाए? ऐसा तो नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि इट्स आई एम नॉट गेटिंग बायस बिकॉज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख खान, आई एम नॉट गेटिंग बायस ऑन दैट. बट बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये जो एज है ना इसी के टाइम पीपल टेक, अभी मेरे पापा भी वैसे ही बोलते हैं, सो दिस इज़ द एज व्हेन जनरली बच्चे मीन नो लाइक उनको पता नहीं होता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है. तो यू नो लाइक दिस इज़ द टाइम आप पेरेंट्स नीड टू बी लिटिल कॉन्शियस एंड नीड टू पुट देयर आईज ऑन देयर किड्स. बट अगेन आई कम टू द मेन पॉइंट, द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज दैट ड्रग्स आते कहाँ से है, इसको बंद कराओ. Sunil Shetty is saying, you know, the media is, or all other people is getting very harsh on Aryan. This should not be. नहीं, सी मीडिया क्या करेंगे अभी, मीडिया तो अच्छे भी बोलते हैं, शाहरुख खान भी, शाहरुख खान बने हैं मीडिया के लिए है, तो मीडिया तो हर चीज़ के लिए बोलते हैं, मीडिया का काम ही वही है, हर्ष की बात नहीं है. लेकिन यू नो लाइक फिर भी मुझे लगता है कि जो ये सब हो रहा है, ये आज आर्यन या अभी बहुत सारे केसेस ये ड्रग्स का जो बॉलीवुड को घेर रखे है, इस चीज़ को कहाँ से निकल. और वैसे भी क्या होगा, मतलब क्या हुआ, ठीक है थोड़ा मीडिया आज एक दो बात बोल देंगे, कल वापस वैसे के वैसे हो जाएंगे, यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ के लॉ एंड रेगुलेशंस इंडिया के तो एज सच कुछ है नहीं, आई मीन किसी को तो न्याय एज सच मिलता ही नहीं है. तो यू नो लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है आज व्हाटएवर जो भी हुआ है, लेकिन वो आर्यन के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, तो उनके मम्मी पापा को थोड़ा ध्यान देना चाहिए.